सतगुरु क्लासेस वेलकम्स यू। हेलो एवरीवन, फाइंड योर फायर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम शुभम मिश्रा और आज हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, आज देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कैल्शियम हमने आज बताया था ना कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल, तब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे आइए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ध्यान देना, कैल्शियम मेटल एक है, एक है ऑक्सीजन, यहाँ पे दो दो, यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन, एक चार बैलेंस हो गया। कार्बन हाँ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दो यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, सब बैलेंस हो गया। ठीक, कार्बोनेट देखना, ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, सारा बैलेंस है ना, तो यानी कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बच्चों। ठीक है ना, अब इसमें आ जाओ बच्चों, इस वाले में जिंक है, यहाँ पे एक जिंक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक एन ओ थ्री, यहाँ पे दो एन ओ थ्री है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, दो एन ओ थ्री, दो एन ओ थ्री बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखना आप बच्चों, दो ए जी है, तो 2 ए जी यहाँ पे कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक जिंक एन ओ थ्री दो है, यहाँ पे भी दो हो गया, दो ए जी। अगले भाई, यहाँ पे एक अल्मोनियम है, यहाँ पे भी एक अल्मोनियम, मेटल एक एक, कॉपर भी अगला मेटल है, कॉपर में देखिए एक एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक ही मेटल, एक ही जैसे एक ही एलिमेंट है, कॉलोनी तो नॉन मेटल होता है, एक ही एलिमेंट हो और यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, आपको बराबर कैसे कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आप सिंपल यहाँ क्या करोगे, 2 है ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक, अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, अच्छा एक चीज़ और, 6 तो हो गया ना, लेकिन कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको भी कॉपर 3 कर दीजिए आप। ठीक, ऐसा करने में अल्मोनियम कितना हो गया, अल्मोनियम 2 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब देखिए बेटा, बेरियम यहाँ पे है, एक है मेटल, एक मेटल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम अगला मेटल है, तो पोटेशियम 2 यहाँ पे एक ही है, तो पोटेशियम यहाँ 2 कर दीजिए पहले। ठीक है ना, अब देखना बेटा, सल्फेट एक है, सल्फेट एक, कोई दिक्कत नहीं है, एक बेरियम, एक बेरियम, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, एक सल्फेट, एक सल्फेट, बैलेंस हो गया। अब अगला ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। रिएक्शन देखो ना, देखना बेटा सब लोग देखना ध्यान से, के बी आर और बी ए आई टू, हुआ क्या यहाँ पे, के अभी किसके साथ था, बी आर के साथ था, अब के किसके साथ हो गया, आयोडीन के साथ, पहला एक्सचेंज। अब पहले क्या था, रिएक्शन से पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम आयोडीन के साथ था, अब राइट हैंड साइड में बेरियम ब्रोमीन के साथ हो गया, यानी कि सेकंड एक्सचेंज है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2 एक्सचेंज हुआ है, जब भी 2 एक्सचेंज होगा उसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सो दिस विल बी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपको पता है कि जितने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो सब कैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज उनमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है ना, तो देखो बच्चे यहाँ पे 2 एक्सचेंज हुआ, यानी कि पीपीटी तो पक्का बनेगा ही बनेगा, देख लो यहाँ पीपीटी बना भी है, कौन सा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया ये। अब इसमें देखना ध्यान देना, जिंक एक है, एक जिंक है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन एक, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 1 3, अच्छा बैलेंस, हाँ अच्छा वो तो ठीक है, बैलेंस आने से हमको बताना था कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, अगर ये ब्रेक होगा किसमें, ZnO और CO2, हमको पता है जब भी कोई एक कंपाउंड ब्रेक हो, दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड बने तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिनमें दो, अब डिपेंड करता है कि एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, कि एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, कि कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, 3 केसेस हमारे पास होते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट, ये एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, लेकिन बनेगा क्या, वो फिक्स है कि कंपाउंड ही बनेगा, चाहे एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करे, चाहे कंपाउंड कंपाउंड, चाहे एलिमेंट कंपाउंड। जब हम इस सीरीज़ को अपलोड करेंगे, इस चैप्टर को, तो वहाँ पे ये तीनों बातें हम डिस्कस करेंगे, तभी तो खाली आप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है, तो वहाँ पे आप देखिए इसको,
दोनों एलिमेंट कंपाउंड बना, बना क्या है, कंपाउंड बनाना। ठीक, तो जब भी कोई दो सब्सटेंस कंबाइन हो एक प्रोडक्ट बने तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ देखना क्या हुआ है बच्चों, HCl है ना, मैग्नीज और HCl होगा क्या, हमको पता है। अब सीरीज वो याद करिए आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने कल बनाया था, उसमें क्या बताया था कि जो एलिमेंट एबव पे है वो अपने से बिलो वालों को रिप्लेस करेगा, है ना। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम कहाँ था और हाइड्रोजन, दोनों कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के ऊपर आया था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्योंकि एबव पे है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पावर उसके पास है, तो मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा इसको, हाइड्रोजन को खुद इस जगह को ले लेगा, यानी कि MgCl2। और क्योंकि एक रिप्लेसमेंट हुआ है और एक रिप्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आपको कहा गया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ सिर्फ लिखा हीट इज लीड, आप सेंटेंस बनाना वहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच देयर इज हीट रिलीज्ड और देयर इज रिलीज ऑफ हीट इन द रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल रिएक्शन। देखो इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है आपसे एक्सोथर्मिक, देखो एक्सो से क्या होता है, एग्जिट आता है ना, एग्जिट से ईएक्स, तो वहाँ से आप याद कर लो, एग्जिट रहा है, निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगा। एंडोथर्मिक मतलब एंट्री होता है, एंट्री से ईएन, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा सिस्टम में। ठीक है ना, अब याद करना बच्चों, जो क्विक लाइम होता है, देखो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना, एग्जाम्पल दिया ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप क्या कहते हो, क्विक लाइम कहते हो ना। अब जब क्विक लाइम को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम, इसको आप लाइम वाटर भी कहते हैं। सिलेक्ट लाइम जब बना, और साथ ही साथ ये देखना आप बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हीट, बहुत हीट निकलता है। जैसे आपने कभी अगर देखा हो तो चूने का जो पत्थर आता है उसको अगर आप पानी में रिएक्ट कराएं, पानी में रिएक्ट, जैसे खासकर अब तो मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा चूने से पेंटिंग वाला सिस्टम अब कम हो गया है, अब तो और भी टाइप के पेंटिंग के लिए चीज़ें आ गई हैं, वाइट वाइट वॉशिंग के लिए, पहले नहीं तो चूने से वाइट वॉशिंग की जाती थी, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज होता था, चूने का पत्थर का। अब नहीं, चूने का पत्थर का क्या करते हैं, पानी में जब जैसे ही रखते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, बबल्स बनने लगते हैं। वो बबल्स कहाँ से आ रहे हैं, वो सब हीट जो रिलीज़ हो रहा है, तो वही ये हीट है जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी विग्रस रिएक्शन एंड देयर इज रिलीज ऑफ वेरी मच अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा। एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी गेन हो रहा हो। एग्जांपल आप देखें, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन अपना इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन अपना इंडिपेंडेंट है, लेकिन लेकिन अगर इनको हीट दिया गया, यानी कि रिएक्शन को ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, होगा नहीं रिएक्शन, लेकिन फोर्सली ज़बरदस्ती रिएक्शन कराया जा रहा है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना ही पड़ेगा। तो जैसे हीट दिया जाएगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। तो ये क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ पे गेन हुआ है, इसलिए एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हुआ है इसलिए एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, जैसे हम लोग जब फूड इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फूड का डाइजेशन शुरू होता है, वो डाइजेशन कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो आपने खाया वो ब्रेक होते हैं सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स में। यह लिखा है ना, देखो बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड ऑक्सीडाइजेज या ब्रेक्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलता है। ठीक है ना, देखना बच्चों, जैसे आपने भोजन किया आपको एनर्जी मिलता है ना, वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ये हीट इवॉल्व हुआ ना, क्योंकि हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको याद हो, यही आपको हम बताए देते हैं कि आप जब बायोलॉजी वो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस इसका जस्ट इनवर्स रिएक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, 6CO2 H2O मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलेगा। पौधे सोचो, पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम इनहेल करते हैं, और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। देखो जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, तो दोनों रिएक्शन इनवर्स में होती हैं। इतना आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं।
हाँ सुनिए शिशार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों अपोजिट होते हैं, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, हमने आपको बताया भी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है कोई एक सब्सटेंस, दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है। देखो हमने लिखा भी है ना, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस दो या टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है। एग्जांपल आप देख लीजिए, इससे पहले जो एग्जांपल था वहाँ भी देखो, वो एग्जांपल था वो भी आप लिख सकते हो, आप कमेंट करिए भी लिख सकते हो। देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या किया गया, हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 गैस, यानी एक ही सब्सटेंस है जो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखें कॉम्बिनेशन में, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कंबाइन हो रहा है, नाम से देखो इसका कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहा है, यानी कि दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाया करते हैं। यहाँ देख लो हाइड्रोजन गैस है, जब ये कंबाइन होगा नाइट्रोजन गैस तो एमोनिया गैस बनाएगा। ठीक है ना, ये आपका एग्जांपल हो गया। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको बताने हैं, कब कब, हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। देख सकते हैं आप FeSO4, अगर आप हीट करेंगे तो आप याद रखना तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, Fe2O3, इसका तीन कंपोनेंट होगा Fe2O3, SO2, SO3, इसमें ब्रेक होगा। ये कब है, हीट का केस है। लाइट का केस याद रखें बच्चों, AgCl सनलाइट में जब ब्रेक हुआ तो Ag और Cl2 गैस में ब्रेक हुआ। इलेक्ट्रिसिटी में वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, याद रखना बच्चों NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट ये सब इक्वेशन है। इसमें इस इक्वेशन की आप देखें तो NCERT ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, उस पर खासा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो गैसेस निकल रही हैं SO2 और SO3, आपको पता ही है कि सल्फर की स्मेल क्या होता है ना, इसीलिए तो वहाँ पे देखिए NCERT ने एक वर्ड यूज़ किया है, जब आप टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रहे होंगे, यानी कि FeSO4 को जब ये रिएक्शन चल रहा होगा, आपको बहुत हीट कर रहे होंगे आप, तो बहुत ध्यान ये रखना है कि इसको देखिए NCERT में दोनों बातें मेंशनड है कि टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा आपको अपने से दूर और आपका कोई पड़ोसी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, आपका फ्रेंड एक्सपेरिमेंट कर रहा हो उससे दूर, ना तो ऐसा देखना है कि रिएक्शन हो रहा हो तो ये टेस्ट ट्यूब अपनी तरफ कर रहा है, ऐसा टेस्ट ट्यूब अपनी तरफ नहीं करना है और ना आपके अपने दोस्त की तरफ करना है। ठीक, टेस्ट ट्यूब को ऐसी जगह पर रखना है कि जो स्मेल उसका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो फ्यूम्स निकल रही है वो किसी को स्मेल ना करें, किसी को दिक्कत ना करे। नहीं, और आप कैसे समझेंगे कि SO2 गैस निकल रहा है, इसके लिए एक और वर्ड NCERT ने लिखा है कि वेफ्टिंग ऑफ द गैस टुवर्ड्स योर सेल्फ जेंटली। वेफ्टिंग का मतलब क्या होता है, इस जो फ्यूम निकल रही हो उनको बस ऐसे डायरेक्ट स्मेल नहीं करने का ना, उस गैस को आप अपने हाथों से हल्का हल्का अपनी तरफ लीजिए, ये वेफ्टिंग होता है, जेंटली लेना। ठीक है ना, ये दो बातें इस इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, बन सकता है इक्वेशन आपके एग्ज़ाम में भी बन सकता है और बोल रहे हैं मतलब हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है यहाँ पे जो बनाया NCERT में, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, AgCl मान लो कोई आप पेट्री डिश है, चाइना डिश मतलब जिसमें आप रिएक्शन करते हैं हम लैब्स में, उसमें आपने क्या किया, AgCl ले लिया। AgCl को बस कुछ नहीं, धूप में रख दीजिए, आप क्या पाएंगे कुछ टाइम बाद कि यहाँ पे AG का कलर क्या होता है, ग्रे होता है, यहाँ वाइट से ग्रे कलर हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। देखो ना, दो पार्ट में टूटा, ये तीन पार्ट में टूटा है, वाटर किस में टूटा, दो कंपोनेंट्स में टूटा था, मैंने बताया ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो एक सब्सटेंस दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक होता है। आप ये देख सकते हैं सारे एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल याद रखें, यहाँ पे वाटर H2 और O2 में ब्रेक होता है। इसका इलेक्ट्रिसिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, इससे अपने आप में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप जब इसको हम पढ़ाएंगे तो बाद में इसको अपलोड करेंगे इस चीज़ को पूरा कंटेंट, तो हम बताएंगे फिर, अभी तो टेस्ट खाली एक क्वेश्चंस की सीरीज है ये। डिस्प्लेसमेंट देखो और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में उन्होंने अंतर पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिएक्शन, और दोनों के एग्जांपल पूछा है ना बच्चों। देखना आप यहाँ ध्यान देना आप, रिप्लेसमेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इस बात को आप बहुत खासा याद रखें। ठीक है बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो नाम से देखो डिस्प्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, कौन लेस रिएक्टिव एटम रिप्लेस होगा किससे, हायर इलेक्ट्रो मोर रिएक्टिव एटम।
था ने आपको सीरीज जो याद कराया था उस दिन, उसमें आप याद रखें जो एटम टॉप पे है, जो एटम एबव है, अपने से बिलो वाले सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यानी कि हायर मोर रिएक्टिव एटम रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एटम एलिमेंट, वो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आप यहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे ही आपने आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएं, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ऑलरेडी डार्क ब्लू कलर का होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमने बताया ना रिप्लेसमेंट, द मोर रिएक्टिव एटम रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि उस दिन आपको जो बताया था सीरीज, उसमें देखो आयरन टॉप पे है, आयरन कॉपर से एबव पे है, यानी कि आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो एफ ई सी यू को रिप्लेस करेगा, तो एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू बनेगा, ग्रीन कलर आया। याद रखना बच्चों, अगर ग्रीन कलर आता है ये, तो ये कॉपर का ब्लू कलर क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, ग्रीन कलर का होता है। देखो कलर चेंज देखने को मिला आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में, देखना अभी जैसे एग्जांपल हमने, देखो रिएक्टेंट्स है ना ये दो, एक रिएक्टेंट आपके पास लेड नाइट्रेट है, अगला रिएक्टेंट आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है, इन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, रिएक्टेंट्स में आयंस का एक्सचेंज। यहाँ पे आयन क्या है, पी बी टू प्लस एन ओ थ्री माइनस, यहाँ पे आयन क्या है, के प्लस आई माइनस, ठीक है बच्चों। पी बी क्या करेगा, आई को ले लेगा, के क्या करेगा, एन ओ थ्री को ले लेगा। देखो बच्चों, के एन ओ थ्री प्लस पी बी आई टू एक्वास है, सब याद रखना आप, जो पी पी टी बना है प्रेसिपिटेट बना, हमने लिखा ना यहाँ पे, यहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिलता है। दोनों में अंतर देखिएगा, रिएक्शन की तुलना में हमने क्लियर कर लिया इस चीज़ को। देखो आप यहाँ पी पी टी बनाना, पी पी टी याद रख लो बच्चों, आपकी सॉलिड होता है, इन सॉल्युबल सॉलिड मास को ही पी पी टी कहा जाता है, ठीक है ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो जाके क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में ही कंटेनर में क्या करो, जाके नीचे वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो हो गया आपका ये रिस्क। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, इसमें दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट से आपको सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है, रिकवरी करनी है, और किसके हेल्प से, कॉपर से। तो आपको ये इक्वेशन मेंशन करना था कि इक्वेशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगा, कॉपर है ये जी एन ओ थ्री है, यहाँ पे हुआ क्या, सी यू एन ओ थ्री, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये कॉपर नाइट्रेट और ए जी, ए जी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ पे रिफाइनिंग करने हमको क्या करना है, रिकवरी करना है ना, हाँ। तो क्या हुआ, कॉपर ए जी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सेपरेट आउट हो गया, यहाँ पे रिकवरी, यही आपका क्वेश्चन कहा गया था, एन सी एल टी में जो लिखा गया है ना बच्चों। और सी यू क्या, सी यू क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, क्योंकि कॉपर, अगर आपको थोड़ा सा हिंट दें हम, और सिल्वर सीरीज उस दिन जो हम बनाए थे ऊपर तो और सब थे, तो कॉपर क्या था, यहाँ पे था, सिल्वर एच जी मरकरी एच जी और ये ए जी सिल्वर यहाँ पे, तो देखो सिल्वर नीचे है ना, हमने क्या बताया था आपसे, जो एबव पे एलिमेंट्स होते हैं वो अपने नीचे वाले को रिप्लेस करते हैं, तो कॉपर क्या है, यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे है, तो ये इसको रिप्लेस आराम से कर देगा। देखो ये जाएगा यहाँ पे, ए जी को रिप्लेस मार देगा, अपनी जगह खुद को इस जगह को ले लेगा, और इस प्रकार से सिल्वर की रिकवरी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे 15 नंबर में कुछ नहीं तो पूछा गया, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, ये तो बहुत आपने कर लिया। रिएक्शन क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन जहाँ पे सच रिएक्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप यहाँ एग्जांपल क्या दोगे, यही ये वाला एग्जांपल, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये वाला जहाँ पे पीपीटी बना हुआ है, ठीक है ना, इस रिएक्शन को आप यहाँ दे दीजिएगा। 16 नंबर में क्या कहा गया है आपसे, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताइए, क्या होता है ये। देखो हमने सारी बातें आपको लिख दिया है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन गेन हो रहा हो, या इस बात को याद रखना नॉन मेटल गेन हो रहा हो, तो ये सबसे बातें किसके लिए होती हैं, ऑक्सीडेशन के लिए होती हैं। रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यहाँ लॉस ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, तो क्योंकि रिडक्शन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों बातें एक ही हैं, और यहाँ पे मेटल ऐड होता है, इतना बात आप याद रखें, ठीक है ना, ये सब पॉइंट आपको ऐसे मेंशन करना है। तो ठीक है बच्चों, 16 तक लिखिए, फिर इसके बाद हम आगे इसके बाद 17 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सॉलिड से स्टार्ट अविद क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, कंपाउंड एक्स एलिमेंट एक्स वेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और हीट दिया गया तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है। तो उसमें पूछा गया है कि वो एक्स क्या है और ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है। तो आपको बताए थे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये है, इसमें कॉपर ब्राउन कलर का होता है, कॉपर हो गया, एक्स मतलब क्या हो गया, ब्राउन कलर का कॉपर होता है जो ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब इसे पूछा गया कि आखिर हम क्यों नाइट्रोजन में फ्लरिस करते हैं फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस, उसके लिए आप एग्जांपल आपका क्या आंसर होगा कि बस देखो रेंसिडिटी में होता क्या है, फूड जो फैटी चीज़ें हैं ऑयल की बनी चीज़ें वो सब ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, तभी तो वो ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, इसीलिए बस वो बस हमारा टारगेट अगर ये रहे वो ऑक्सीडाइज ना हो तो काम बन जाएगा। अच्छा आप देखिए जैसे हम मार्केट से चिप्स का पैकेट ले आते हैं या स्नैक्स जो भी मार्केट से ले आते हैं, चिप्स वगैरह पैकेट देखो फुले फुले रहते हैं, वो उसके अंदर कंटेंट जो भी हो पैकेट एकदम सेफ पैक रहता है, एकदम सेल रहता है, फुला रहता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया गया है, वो ज़रूरी भी है। नाइट्रोजन गैस कर क्या रहा है उसके अंदर, याद रखना बच्चों, अगर सपोज़ करना कभी कोई कोई पैकेट देखो पंच हो गया हो तो वो फिर नाइट्रोजन गैस निकल जाता है उसमें से, तो वो वहाँ पे आप देखना दिक्कत आ जाता है, वो पैकेट मत खरीदना कभी, ठीक है ना, जो पैकेट फुला हो वही पैकेट खरीद खाइएगा आप कभी, क्यों, क्योंकि उसमें जो पैकेट फुला है मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन अभी भी है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा उस जो उसके अंदर मान लो चिप्स है कुरकुरे जो भी है उसको ख़राब नहीं होने देगा, ठीक है ना, और अगर गैस निकल गया है तो फिर ख़राब ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, हम क्यों नाइट्रोजन से फ्लरिस करते हैं, तो आपका आंसर होगा टू प्रिवेंट द फैटी फूड्स और ऑयली फूड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। 19th में आ जाओ बच्चों, फ्लश में नाइट्रोजन ये हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। पेंट क्यों लगाते हैं आयरन पे, तो उसको बताना है, वहाँ पे आप क्या बताओगे, कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका यही है 20 का, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन आप बताओगे, ये भी ऑक्सीडेशन है, याद रखना रेंसिडिटी भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही होता है, कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की जब बात होती है तब करते हैं, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड या ऑयली फूड की बात होती है तब रेंसिडिटी वर्ड यूज होता है। देख लो बच्चों यहाँ पे लिखा गया ना, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर केमिकल या एसिड्स ऑन इट्स सरफेस। जैसे आप आयरन को ले लो, आयरन अगर मान लो बारिश हुआ भीग गया, ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो अब वो आयरन का जो सरफेस है वहाँ पे H2O भी है, ऑक्सीजन भी है, रिएक्ट कर लेगा, और आयरन में अगर एक्सपोज रहा इसे बाहर सरफेस पे तो उसमें रस्ट लग जाता है जिसको आप जंग बोलते हो, ठीक है ना। देखो यही एग्जांपल, यही इक्वेशन है इसका, रस्ट का एग्जांपल यही है, आयरन है सरफेस पे, क्या हुआ जब मान लीजिए वाटर, बारिश का वाटर है, कोई वाटर पड़ा उस पर, ऑक्सीजन है ही, रिएक्ट कर लेगा, तो ये आपका रस्ट का फार्मूला या फिर 2O3.XH2O या फिर रस्ट बन जाएगा, यही क्या है, कोरोजन कहा जाता है। आयरन का सरफेस पे क्या होगा, आप देखोगे एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगा जिसको आप रस्ट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये तो आयरन की बात हो गई, सिल्वर पे आप देखो जो चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं कुछ टाइम बाद, वो क्या है, कोरोजन ही है। मेटल को हमने बात किया ना, ऑक्सीडेशन आप किसकी बात हो रही है, मेटल की, तो आयरन पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रस्ट बनाएगा, सिल्वर पे होगा तो ब्लैक कोटिंग आ जाएगा, कॉपर में अगर होगा तो ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाता है सरफेस पे, ठीक है ना, कोरोजन हो गया। रेंसिडिटी देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, यहाँ पे याद रखना ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स है तो रेंसिडिटी, यहाँ भी क्या होगा जब एक्सपोज रहेगा एयर में, यहाँ पे भी वही चीज़ था एक्सपोज, ठीक है ना, और होगा क्या, तो ऐसे फैटी या ऑयली सब्सटेंसेस अगर एक्सपोज रह जाएँ तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका स्मेल चेंज हो जाता है, खाने में बड़ा अजीब सा लगता है, स्मेल भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, रेंसिडिटी। सो इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए व्यवस्था रखते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, वर्क हार्ड एंड सब अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू।